हेलो दोस्तों, मेरा नाम तोरुंदा। आज बता रहा हूँ काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन बाय थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर एक इम्पोर्टेंट सिलेबस का प्रैक्टिकल है जिसका नाम है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। दोस्तों, गियर ट्रेन सभी को पता है, गियर ट्रेन का मेन फंक्शन होता है मोशन को डिक्रीज करना, इंक्रीज करना। कोई भी मोशन है बा इनपुट टॉर्क है उसको इंक्रीज कर बढ़ाना है बा घटाना है तो गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। तो ट्रेन मतलब जिसका द्वारा किया जाता है, जैसा टाइप्स ऑफ गियर होता है दोस्तों, स्पार्क गियर, बीवेल गियर, बुल गियर, हेलिकल गियर, उसी बॉक्स के अंदर जो फिट कर दिया जाता है उसको नाम। सबसे पहले बात करूँ मैं सिंपल गियर ट्रेन के अंदर। सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है, गियर का जो पोजिशन होता है वो एक शेफ्ट से दूसरा शेफ्ट में जो मोशन होता है उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होता है। गियर है तो जीरो स्लिप में काम होता है। कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड गियर ट्रेन में सेम डायरेक्शन में काम करता है, वन शेफ्ट टू अनदर शेफ्ट। ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में जो गियर का जो चेंजेस है वो सेम डायरेक्शन में रहेगा। ड्राइवर जिधर रोटेशन करेगा क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो ड्रिवन भी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, जो गियर ट्रेन का नाम है कंपाउंड गियर ट्रेन। तीसरा नंबर गियर ट्रेन होता है दोस्तों रिबार्टेड गियर ट्रेन बा बैक गियर मैकेनिज्म। रिबार्टेड गियर ट्रेन में इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज करना है। कोई भी मोशन को डिक्रीज करने के लिए, जैसा रेडियल ड्रिलिंग मशीन पे होता है, नॉर्मल ड्रिलिंग मशीन पे होता है, लेथ मशीन पे, हेडस्टॉक पे होता है, ये जो मैकेनिज्म होता है जिसका नॉर्मल जो स्पीड था, जो आरपीएम था, उससे और आरपीएम को कम करना है तो रिबर्टेड गियर मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो गियर मैकेनिज्म है जिसका नाम है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का मतलब है प्रिसाइज्ड गियर ट्रेन, प्रिसिशन गियर ट्रेन, जहां से बहुत बारीकी से काम किया जाता है। दोस्तों, ये हमारे सामने आपको दिख रहा है एक अपरेटर्स है जिसका नाम है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन अपरेटर्स। दोस्तों, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में सिर्फ डिफरेंस इतना है, नॉर्मल गियर ट्रेन में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में एक इनपुट होता है, एक से ज्यादा आउटपुट मिलता है। दोस्तों, इसका डिफरेंस यही है, एक इनपुट होता है, एक से ज्यादा आउटपुट होता है, उस गियर ट्रेन का नाम है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। दोस्तों, सबसे पहले मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कैसे होता है। ये हमारे पास एक मॉडल का लाइन डायग्राम है जिसके थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये है हमारा, ये जो बीच में दोस्तों दिख रहा है जिसका नाम है सन गियर, इसमें हमारा टॉर्क जो मेन आरपीएम है इसी के अंदर आता है, ये सन गियर है। सन गियर के साइड से तीन जो गियर लगा हुआ है जिसका नाम है प्लेनेटरी गियर, ये एक बार जो मोशन यहां आएगा सन गियर एक बार प्लेनेटरी गियर को देगा। प्लेनेटरी गियर काम नहीं कर रहा है तो बाहर वाला जो गियर दिख रहा है सबसे बड़ा वाला सर्कल जिसका नाम है एनुलर गियर, ये मतलब एक इनपुट लेगा, एक इनपुट प्लेनेटरी गियर को देगा, एक इनपुट एनुलर गियर को देगा। ये जो मल्टीपल आउटपुट है यही है मेन फंक्शन जिसका नाम है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो बाहर वाला जो गियर ट्रेन है जिसका नाम है एनुलर गियर ट्रेन। दोस्तों, हमारे पास जो अपरेटस है जिसका नंबर ऑफ टीथ 50 है, प्लेनेटरी गियर ट्रेन जो येलो कलर का दिख रहा है प्लेनेटरी गियर ट्रेन जिसके अंदर टीथ है 18 करके टीथ है, तीनों गियर जो है सेम है। और जो सन गियर है बीच में लगा उसका जो गियर ट्रेन है वो है 13। यहां से गियर रेशियो क्या होता है दोस्तों, गियर रेशियो होता है स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर। ये हमारा नॉर्मल रेशियो होता है N2 बाय N1 इज इक्वल टू T1 बाय T2, ये नॉर्मल गियर रेशियो का फॉर्मूला होता है, जो गियर रेशियो का N2 बाय N1 इज इक्वल टू T1 बाय T2 बट D1 बाय D2। ऐसा जैसा जैसा गियर आपका रेशियो बढ़ते जाएगा आप उसको बढ़ा दीजिए। इनपुट टॉर्क T1 टॉर्क कहलाता है, इनपुट टॉर्क जो ये सन गियर से आता है जिसका नाम है T1 टॉर्क। लोड ड्रम टॉर्क जो मिडिल में प्लेनेटरी गियर में जो हमारा लोड लगता है उसका नाम है लोड ड्रम टॉर्क, TO डिनोटेड होता है TO से। और जो एनुलर गियर में जो हमारा लोड लगता है जिसको नाम होता है होल्डिंग टॉर्क। ये सब गियर कैसे काम करता है हमको मशीन के थ्रू आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये आपका सामने मशीन दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा जो इस पोजिशन में दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इस जगह हमारा फिट है जिसमें तीन गियर है, सन गियर, प्लेनेटरी गियर और एनुलर गियर। ये जो इसका नाम है लोडिंग ड्रम है दोस्तों, इसमें एक शेफ्ट नहीं है, इसके अंदर तीन शेफ्ट है अलग अलग। एनुलर सन गियर का एक शेफ्ट है जो यहां तक आता है, एनुलर गियर प्लेनेटरी गियर का ये हमारा शेफ्ट है, और इसके बाहर में जो है एनुलर गियर है उसके लिए ड्रम है। तो लोड ड्रम और आउट ड्रम,
ये लोड ड्रम है, ये है होल्डिंग ड्रम। इसमें एक बार इनपुट मैं दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसा कैसा उसका लोड वेरिएबल हो रहा है, उसमें वोल्टेज कितना लग रहा है, करंट कितना लग रहा है, N1 का RPM क्या है, N2 का RPM क्या है, हर पॉइंट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों ये मैं मशीन ऑन करके पर बताने वाला हूं। दोस्तों ये मशीन ऑन कर रहा हूं, इसके बाद हमारा जो वोल्टेज है अभी ये हमारा स्टार्ट हो गया। दोस्तों ये हमारा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन स्टार्ट हो गया है, आपके सामने दिख रहा है। अभी तीनों जो डायरेक्शन है, सैन गियर का डायरेक्शन अभी 644 RPM में घूम रहा है। N1 मतलब सैन गियर का RPM 657 है। N2 का RPM मैं देख लूँ, जो होल्डिंग ड्रम है, जो लास्ट वाला ड्रम दिख रहा है दोस्तों, उसका RPM अभी 379 है। 379 N1 पे आ गया, ये N1 है। इस समय हमारा वोल्टेज जो है 243, करंट जो है 0.99। इसके बाद दोस्तों कहना यह है, एक बार लोडिंग ड्रम में लोड लगाना है, उसके बाद ये जब बंद हो जाएगा, इसका जो टॉर्क था वो डिस्ट्रीब्यूट होके होल्डिंग ड्रम पे चला जाएगा। होल्डिंग ड्रम का टॉर्क जो है मैं फिर बंद करूंगा, फिर इधर घूमते हुए आ जाएगा। और कैसे होता है, ये तीनों का जो फंक्शन अलग अलग है वो मैं आपको दिखाने को कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है, इस समय हमारा जो RPM है वो बता दिया, लोड बता दिया, करंट बता दिया। इसके बाद धीरे धीरे दोस्तों क्या किया जाता है, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ये सब लोड है। ये लोड को धीरे धीरे लोड बढ़ाना है, मैं धीरे 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 ऐसा लोड बढ़ाना है जस्ट बंद होने का कंडीशन आना चाहिए। दोस्तों धीरे धीरे अभी भी हमारा चल रहा है, दोस्तों T1 चालू है, इसमें हमारा धीरे धीरे मैं दोस्तों लोड लगा रहा हूं आपके सामने। दोस्तों हमने अभी लोड लगा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारा जो प्लेटोनिक गियर है धीरे धीरे बंद होने का कंडीशन आ रहा है। धीरे धीरे प्लेटोनिक गियर धीरे धीरे हमारा बंद होने का कंडीशन आ गया। देखो ये आपके सामने दिख रहा है जो प्लेटोनिक गियर है, दोस्तों ये प्लेटोनिक गियर है हमारा, ये बंद हो गया आपके सामने दिख रहा है। दोस्तों प्लेटोनिक गियर बंद हो गया, इस समय जो सैन गियर से जो हमारा RPM आया था वो डिस्ट्रीब्यूट होके हमारा होल्डिंग ड्रम पे आ गया। देखिए होल्डिंग ड्रम पे आ गया, इसको बंद करने के लिए इसमें कुछ टॉर्क लगा है, 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 तो अभी बंद हुआ है। दोस्तों इसके बाद इसका जो लोड था, टॉर्क था, RPM था, वो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो गया। तो इसमें हमारा जो लोडिंग ड्रम है वो बंद हो गया। इसके बाद दोस्तों करना क्या है, इसी कंडीशन में सब कुछ रीडिंग लोड होने के बाद, इसके बाद हम लोड डालूंगा होल्डिंग ड्रम के ऊपर। धीरे धीरे जैसे ही मैं होल्डिंग ड्रम पे लोड डालूंगा, ये मैं जो अभी जो टोटल पोर्शन क्लॉकवाइज घूम रहा था, धीरे धीरे दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अभी दोस्तों हमारा जो टोटल पोर्शन चल रहा है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, रोटेशन जो है क्लॉकवाइज रोटेशन है, धीरे से वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। दोस्तों अभी भी हमारा जो लोडिंग ड्रम बंद है, इसमें धीरे धीरे मैं अपनी लोड अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे ही लोड अप्लाई करूंगा धीरे धीरे उसका पोजिशन जो है चेंजेस हो जाएगा। देखिए दोस्तों धीरे धीरे घूमने लगा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे घूमने लगा है। ये हमारा अभी होल्डिंग ड्रम, लोडिंग ड्रम अपोजिट डायरेक्शन में, दोस्तों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ये घूम रहा है। देखिए दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन घूम रहा है। देखिए दोस्तों इस समय हमारा जो है मशीन पे जो आउट ड्रम है वो बंद हो गया है, जो टॉर्क सैन गियर से आया था वो अभी लोडिंग ड्रम पे ट्रांसफर हो गया और हमारा आउट ड्रम बंद हो गया। दोस्तों मैंने हर पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश किया, इसको मैं धीरे से खोल देता हूँ। दोस्तों मैंने हमारा रीडिंग हो गया, इसके बाद कैलकुलेशन करना है, मैं उसका धीरे से आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों हर पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंस है, देखिए मेरा जो सैन गियर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। दोस्तों ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, और जो हमारा लोडिंग ड्रम है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और हमारा जो लोड आउट ड्रम है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। तीनों पॉइंट आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तीनों का कंडीशन अलग अलग है। देखिए दोस्तों आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा लोडिंग ड्रम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। जो हमारा इनपुट हो रहा है, जो हमारा इनपुट है
वो क्लॉकवाइज है, और जो उसका आउटपुट पहला आउटपुट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद तीसरा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ से क्लियर पता लग रहा है, ये तीसरा जो है लोड ड्रम है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन घूम रहा है। ये खासियत होता है जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, दूसरा कोई गियर ट्रेन नहीं है जो इस टाइप का आउटपुट आपको दे सके, जहाँ से एक इनपुट ले रहा है और डिफरेंस आउटपुट आपको बता रहा है। ये सिर्फ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में ही संभव है, जो मैं हर पॉइंट आपको डिस्कशन करके बताने को। इसका जो मैक्सिमम यूजफुल होता है रोबोटिक्स जैसा इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसाइज सीएनसी मशीन जैसा इंस्ट्रूमेंट है, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में व ऑटोमोबाइल में व वॉच में इस टाइप का गियर बॉक्स का यूज होता है, जिसका नाम है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। जिसका करंट वोल्टेज मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें हमारा जो करंट है 1.13 एम्पियर, वोल्टेज है 243 एम्पियर, उसमें जो हमारा इनपुट आरपीएम है वो है 695 आरपीएम में है, और N2 आरपीएम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, N2 आरपीएम जो है वो है 98 N2 आरपीएम है 98, वो ऑब्वियसली आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा N2 आरपीएम है, बहुत धीरे धीरे घूम रहा है दोस्तों, ये आपके सामने दिख रहा है N2 आरपीएम जो बहुत धीरे धीरे घूम रहा है। हर पॉइंट जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में होता है, ये हमारा पूरा फिट इस जगह है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जिनों तीनों गियर इस जगह फिट है, जो मैंने हर पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश किया। दोस्तों माय चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब करें, माय चैनल नेम क्लासरूम दादा, अच्छा लगे जरूर कमेंट भेजिए, लाइक करें, शेयर करें, जो इससे बात है मुझे कुछ अच्छा लगेगा, मैं आगे जाके और भी कुछ वीडियो आपके सामने ले सकूं। धन्यवाद।